हाय फ्रेंड्स, कुछ तो हो चैनल को आपको स्वागत जना रहे हैं। बड़ा भाई का फरमाइश है कि उनको अंडा आलू का सब्ज़ी खाना है, तो हमको तो अंडा आलू का सब्ज़ी आता नहीं है। भाभी लोग घर के हैं तो हमको तो बनाना पड़ेगा, तो फिर क्या करें। हम भुवनेश्वर में दोस्तों के साथ रहते थे भुवनेश्वर, तो वहाँ से थोड़ा कुछ सीखे थे, वैसे ही आज बना रहे हैं, तो इसलिए हम आपको यूट्यूब में दिखा दे रहे हैं कैसे बनता है। शायद ख़राब होगा, लेकिन बैचलर है, जैसे बनाना वैसे चल जाना चाहिए। हम प्याज को पहले छोटा छोटा करके काटे थे, उसको हल्का ब्राउन कर दी, तो ब्राउन हुआ तो हम इसमें थोड़ा सा कश्मीर मिर्चा डालेंगे। देखिए कश्मीर मिर्चा डालने से क्या होता है, हल्का सा सब्ज़ी थोड़ा लाल होता है, दिखता है अच्छा। हम इसमें कश्मीर मिर्चा डालें, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मसाला डालेंगे। इसमें हम लहसुन, अदरक और जीरा, गोटा जीरा और सूखा मिर्ची इसको डाले हैं। डाल के थोड़ा सा इसको मसाला को थोड़ा सा ऐसे लो फ्लेम में 300 में, इसको हम इंडक्शन में कर रहे हैं, तो थोड़ा भूजना है ऐसे। इसका कच्चा जो गैस है उसमें चल जाना चाहिए, नहीं तो बदबू आएगा अंडा आलू का सब्ज़ी। ऐसे भूजते रहना है कम से कम 2 मिनट, 2 मिनट भूजना है इसको। उसके बाद हल्का नमक स्वादानुसार डालना है, स्वादानुसार। भैया लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, उन लोग मजाक उड़ाता है। अब हमको सब्जी बनाने भेज दिए हैं, भाभी लोग तो घर गए हैं, ठीक है। आप नहीं जानते, भैया लोग सब हर समय मजाक करते ही रहता है, उन लोग को कहाँ बोलना है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा इसको फ्लाई होने देते हैं 2 मिनट। उसके बाद हम इसमें अब इसमें ये थोड़ा सा हल्का इसमें तेल छोड़ रहा है, इसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें थोड़ा धनिया डाल दिए, धनिया इसका टेस्ट बदल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अंडा को थोड़ा ज़्यादा फ्लाई मत कीजिएगा, थोड़ा सा तेल हल्का हल्का, पूरा रेड नहीं कीजिएगा, हल्का रेड कीजिएगा तब अच्छा लगेगा। इसीलिए हम देखिए हल्का व्हाइट है और थोड़ा सा रेड किए हैं, पूरा ज़्यादा रेड करने से ठीक नहीं लगता है। अभी इसमें हम लोग हाफ चम्मच डालेंगे हल्दी। हल्दी तबीयत के लिए भी ठीक है, शरीर के लिए और सब्जी के लिए सबसे बेस्ट है। देख रहे हैं दोस्तों कितना सुंदर दिख रहा है, रेड रेड, बाप रे, बहुत मस्त, इसका खुशबू बहुत मेरा नाक में घुस जा रहा है। अभी इसमें हम डालेंगे टमाटर, इसमें हम टमाटर डाल दिए। देखिए दोनों भाई सो के यहाँ बतिया रहे हैं, दोनों भाई बहुत हमको चिढ़ा रहे हैं, दोनों भाई है, ठीक है। हमको भेज दिए हैं सब्जी बनाने, दोनों भाई बैठ के हैं टीवी देख रहे हैं। देखिए देखिए टीवी चल रहा है अपना, हम ये भूज रहे हैं सब्जी को। टमाटर हल्का दिए हैं ना, थोड़ा सा हल्का हम पानी दे दिए इसमें, जैसे कि हम इसमें पानी देंगे ना 5 मिनट इसको ढक देंगे। कहाँ गया इसको 5 मिनट नहीं, 3 मिनट कम से कम ढकने से, इसका 3 मिनट ढकने से मसाला से पानी फेंकेगा, सॉरी मसाला से तेल फेंकेगा। अब उसको तो छोड़े हैं, हम ये करने के लिए हम तैयारी करते हैं। देखिए इतना सा हम लिए हैं गोल की, अरे बाबा अल्पिन चल गया, इतना सा लिए गोल की, इतना सा ये काट मसाला, गरम मसाला, 2 से 3 इलायची। अब इसको हमको ग्राइंडर में पीस देंगे। देखिए पीस दिए, पूरा पानी टाइप का हो गया, इसको थोड़ा हल्का पानी दिए थे हम, हो गया ये। अब इधर भी हम इसको निकाल लिए, थोड़ा सा नहीं छोड़ा, इसको और ढकना पड़ेगा, नहीं तो मसाला का गैस आएगा, ठीक नहीं लगेगा। हाँ पहले हम भूल गए थे आपको बोलने के लिए, जब तेल डालिएगा
उस समय दो गो गरम मसाला लकड़ी वाला जो होता है उसको डालना है। उसके बाद दो गो तेज़पत्ता डालिएगा, उसके बाद जाके प्याज डालिएगा, डायरेक्ट प्याज नहीं डालिएगा। वो दोनों डालने से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, वो टेस्टी आता है। उसके बाद प्याज हल्का सा ब्राउन होने से उसके बाद कश्मीरी मिर्चा पाउडर डाल दीजिएगा। हाँ, उसके बाद अदरक लहसुन वाला पेस्ट डालिएगा। हम तो नया नया वीडियो बना रहे, कुछ तो है, मेरा चैनल है, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए नए नए वीडियो देखने के लिए। और हम तो नया नया बना रहे वीडियो, इतना जानकारी हमको है ही नहीं, बहुत दिल से जो भी बना रहे दिल से बना रहे हम। देखिए एक तो मीट का मसाला, इसको थोड़ा सा डाल रहे हैं, इसको डालने से थोड़ा टेस्ट इसका अलग आता है। ऐसा भूजना है इसको, दोस्त लोग आए हैं। देखिए इसको धोना भी हमको पड़ेगा, बर्तन सब क्या करें, धोना ही पड़ेगा हमको। भाभी लोग नहीं है अभी, क्या करें, परेशानी तो झेलना पड़ेगा। उसके बाद फिर दूध भी गर्म करना है हमको, सब्जियाँ हैं उसको गर्म करना है, बहुत काम है मेरे अभी। और परोठा भी बनाना है हमको, बोले हम दाल के साथ परोठा खाना है हमको, क्या करना तो पड़ेगा, बड़ा भाई है। भाभी लोग थोड़ा सा अभी मम्मी का तबीयत ख़राब है ना, इसलिए भाभी लोग सब घर गए हैं, घर में लेके छोड़े हैं, गांव में है मम्मी। हाँ, वहाँ पे मम्मी का तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए मम्मी के साथ लोग रुक रहे हैं। मम्मी को यहाँ आने के लिए बोले थे, मम्मी का हाँ पैर थोड़ा सा फूला हुआ है मम्मी जी, तो इसलिए नहीं आया मम्मी। तो देखिए अब दो तीन मिनट बाद हम देखें मसाला से तेल निकल रहा है, 3-4 मिनट हो गया है तेल निकला, तो हम इसमें अभी डाल देंगे अंडा और छिला हुआ आलू, बॉयल करके हुए थे आलू को भाते हैं। ऐसे इसको अंडा में थोड़ा सा अंडा को मसाला अंदर जाने के लिए थोड़ा सा इसको भूजना है, भूज लिए इसमें हल्का सा पानी देंगे, हल्का सा देना है क्या कि हम परोठा के साथ हम लोग खाएंगे, तो इसलिए हम ज़्यादा सूप नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसमें हम परोठा के साथ खाना है हम लोग को, इसीलिए चावल के साथ खाते थे ज़्यादा हम करते। अब इसको ढक देते हैं, इसको 5 मिनट के लिए ढकने छोड़ें। अभी हम जा रहे हैं आटा सानेंगे, क्योंकि मेरा जर्मनी शेपर्ड भी है, उसको भी रात को रोटी खाता है, उसका एक रूटीन है, रात को रोटी, सुबह में मुर्गी, दोपहर में मुर्गी, उसका उसके बाद रोटी इसको खाएगा, इसलिए आटा सान रहे हैं। 5 मिनट हो गया है, अब इसको निकालेंगे। देखिए अच्छा खासा सब्जी प्रेड हो गया है, अच्छा खासा इसका स्पेशल दिख रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ग्राइंडर में जो पैसे थे, पीस के रखे थे, देखिए इसको थोड़ा हल्का पानी डालेंगे इसमें, फिर इसको मिला लेंगे थोड़ा सा, फिर इसको डाल देंगे इसमें। अब इसको थोड़ा सा इसको टेस्ट बदलने के लिए थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, और इसको थोड़ा
तीन मिनट कम से कम बाद में देते हैं। 1000 में बाप रे, इधर मेरा दूध चल गया रे बाबा, सब गया दूध। देखिए घर में एक लेडीज रहना बहुत जरूरी है, अभी नहीं है, इसके चलते ही सब इधर से दूध इधर से वो। अभी ये आटा सान के रखी हुई यहाँ पे, बहुत नाटक है यहाँ पे। देखिए डिब्बा वा सब सजा के रखना है, परेशानी एक तरफ से। क्या करे, पेट है तो खाना पड़ेगा ना, पेट है तो इसका। लेकिन खुशबू जो है ना, ये देखिए यहाँ से जो आ रहा है खुशबू, कितना मस्त लग रहा है, मोटू चिकन जैसे लग रहा है। मस्त गल है तुम ऐसे ही लग रहा है। तो चीज बड़ी है मस्त, मस्त चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, मस्त चीज बड़ी है मस्त। इसको 2-3 मिनट बिठा दिए थे, हो गया ये कंप्लीट। अंडा आलू का सब्जी हो गया, बंद कर देते हैं। अब इसको पराठा के साथ खाएंगे। आप एक बार इसको बनाइए मेरे जैसा, देखिए कैसा लग रहा है। शायद आप लोग बनाइएगा, आप तो बहुत अच्छा बनाते होंगे, हम तो नाम मात्र हैं।